एक्सरसाइज 2.4 का अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. एंटी लॉग ऑफ 4, तो असल में हमें लॉग के लिए 4 डिजिट की ज़रूरत होती है और इसी तरह एंटी लॉग के लिए भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 4 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये नंबर जो है सिर्फ 4 नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 4.0000. तो ये हम लिख सकते हैं. सो एंटी लॉग ऑफ 4.0000 हम ये फाइंड करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पर जो आपको करेक्टरिस्टिक नज़र आ रहा है, करेक्टरिस्टिक नज़र आ रहे हैं 4 और मेंटीसा आपको नज़र आ रहे हैं, मेंटीसा है 0.0000. अब हम लॉग टेबल के एंटी लॉग टेबल की तरफ जाएंगे. एंटी लॉग टेबल में आपने 0.00 को देखना है जो कि पहला नंबर है, और उसके बाद इसके सामने 0 के नीचे हमने देखना है और वो क्या है 1000. और उसके यानी इस 0 के नीचे हमने देखा और उसके बाद ये 0, क्योंकि मेन डिफरेंस में ये फोर्थ डिजिट अगर 0 हो तो मेन डिफरेंस के अंदर वो नहीं होता, तो मज़ीद हमने कुछ भी ऐड नहीं करना. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब रेफरेंस पोजीशन क्या है, यहाँ पर ये रेफरेंस पोजीशन है 1 के बाद. अब रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक क्या है, 0. करेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ है, 4. अब करेक्टरिस्टिक 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो इसका मतलब हमने राइट की तरफ इसको क्या करना है, शिफ्ट देना है. कितना शिफ्ट देना है, 4. 1, 2, 3, इसका मतलब एक और डिजिट की भी ज़रूरत होगी 0 की. तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 1000 और 0. ये हमारे पास इसका नंबर आ जाएगा, इसका एंटी लॉग आ जाएगा.